आज का आजाद भारत कभी गुलाम हुआ करता था, जिसे आजाद कराने में कई लोगों ने अपना अहम योगदान दिया। इनमें से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे कई नामों को तो आप पहले से ही जानते हैं, किंतु क्या आप भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले गुमनाम हीरोज के बारे में जानते हैं? दोस्तों, आपको बताते चले कि इतिहास में चुनिंदा मशहूर क्रांतिकारियों के अलावा भी कई आजादी के दीवाने रहे, जिन्होंने बिना किसी पहचान के एक गुमनाम अंधेरे में क्रांति की दास्तां लिखी। पर इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि उन्हें इतिहास में वह जगह नहीं मिल पाई जिसके वह हकदार थे। करतार सिंह सराभा भी ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी का नाम है। तो आइए जानते हैं क्रांतिकारी सराभा और उनकी आजादी की लड़ाई के बारे में। गुलाम भारत का समय था। 1857 की क्रांति को समाप्त हुए 39 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी ज्वाला अभी तक लोगों के मन में जल रही थी। देश अंग्रेजों के अत्याचारों के तले दबा हुआ था और उनकी आजादी के लिए अलग अलग तरीकों से लड़ाई लड़ी जा रही थी। पंजाब भी इससे अछूता नहीं था। इस समय तक स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हो चुकी थी। ऐसे समय में 24 मई 1896 को पंजाब के लुधियाना जिले के सराभा गाँव में एक क्रांतिकारी का जन्म हुआ। नाम था करतार सिंह सराभा। पिता मंगल सिंह और माता साहिबा कौर करतार को पाकर फूले नहीं समा रहे थे। धीरे धीरे करतार बड़े हो रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि 8 साल बाद ही इनके पिता मंगल सिंह की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद घर में हालात दयनीय हो गए और दादा बदन सिंह ने इनको संभाला। अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाँव के ही एक स्कूल से प्राप्त करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए करतार ने मालवा खालसा हाई स्कूल लुधियाना में एडमिशन ले लिया। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद इन्हें आगे की पढ़ाई के लिए ओडिशा भेज दिया गया, जहाँ उन्होंने हाई स्कूल किया। अब तक करतार 16 साल के हो चुके थे और ये डॉक्टर बनना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने विदेश जाना उचित समझा। जुलाई 1912 को करतार सिंह सराभा उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को चले गए। यहाँ उन्होंने बर्कले में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया और केमिस्ट्री में डिग्री के लिए नामांकन करा लिया। इन्हीं दिनों उन्होंने बर्कले में भारतीय छात्रों के एक नालंदा क्लब को ज्वाइन कर लिया। यहीं से इनके अंदर देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करने का मौका मिला। 23 अप्रैल 1913 को एस्टोरिया ओरेगन में कुछ प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा भारत को आज़ाद कराने के प्रमुख उद्देश्य के साथ हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट का गठन किया गया। इस संगठन के मुखिया थे सोहन सिंह भाकना। इस संगठन की अहम जिम्मेदारियां लाला हरदयाल और लाला ठाकुर लाल धुरी जैसे लोगों को दी गई। एक बार लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में किसी सभा को संबोधित कर रहे थे। उस सभा में करतार सिंह सराभा भी मौजूद थे, जो उनके क्रांतिकारी विचारों से काफी प्रभावित हुए और बाद में करतार ने हरदयाल से मुलाकात की। यहीं से करतार इस संगठन में शामिल हो गए। संगठन द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी विचारों को फैलाने के लिए एक पत्रिका छापी जाती थी, जिसका नाम गदर रखा गया। 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला प्रकाशन उर्दू भाषा में किया गया। इसके बाद पत्रिका का और विस्तार किया गया और उसको गुरुमुखी, गुजराती, बंगाली, नेपाली और पश्तो भाषा में छापा गया। इसके पंजाबी संस्करण की जिम्मेदारी करतार सिंह को दी गई थी। बस यहीं से करतार सिंह पूरी तरह से क्रांतिकारी बन गए। इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और गदर के द्वारा क्रांति फैलाने में लग गए। पत्रिका को अप्रत्याशित समर्थन मिला और अब इस संगठन को गदर पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। कम मजदूरी दर पर काम करने की भारतीयों की आदत की वजह से तमाम फार्म और बागान मालिक गोरों की बजाय भारतीयों को लाने लगे थे। इस वजह से गोरे मजदूरों में भारतीय नागरिकों के प्रति नफरत पनपने लगी और आए दिन भारतीय मजदूरों के साथ हिंसक घटनाएं होने लगी। भारतीय प्रवासियों की कॉलोनियों को उजाड़ दिया जाता था, उनके साथ मारपीट की जाती थी, यहाँ तक कि कई लोगों की इस हिंसा में मौत भी हो गई। ऐसे में करतार अमेरिका आ रहे भारतीय प्रवासियों के साथ किए जा रहे इस बर्ताव को लेकर बहुत दुखी थे। जब इन लोगों ने भारतीयों के साथ अत्याचार के विषय में सोचा तो यही बात सामने आई कि हिंदुस्तान की गुलामी ही इस अत्याचार की जड़ है, इसलिए भारत को आज़ाद कराना ही
इनका लक्ष्य बन गया। इस तरह गदर ने अपने क्रांतिकारी विचारों से अमेरिका में रह रहे भारतीय मजदूरों और किसानों को एकजुट किया और उनके बीच क्रांति की आग जलाई। गदर पार्टी की स्थापना का विचार अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर उनसे भारत को आजाद कराना था। गदर पार्टी ने 21 अप्रैल 1913 को ऑस्ट्रेलिया की आरा मिल में एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि गदर पार्टी हथियारबंद इंकलाब की मदद से भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराएगी। जल्दी प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और अंग्रेजों की खराब होती हालत को देखकर क्रांतिकारी उनकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते थे। ऐसे में 5 अगस्त 1914 को अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की गई और लगभग 6000 क्रांतिकारी अपना झंडा उठाकर एकजुट हुए और हथियार गोला बारूद खरीदकर क्रांति के केंद्र भारत की ओर निकल पड़े। हालांकि कैसे भी ये खबर अंग्रेजों को लग गई और उन्होंने इस गदर को दबाने के प्रयास शुरू कर दिए। इसी बीच कई क्रांतिकारियों को भारत पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन करतार अंग्रेजों की पकड़ से दूर रहे और भारत पहुंचने में कामयाब हो गए। अब ये कोलकाता पहुंचकर अपनी योजना को विस्तार देने लगे। यहीं करतार सिंह सराभा ने बंगाल के क्रांतिकारियों से मुलाकात की और फिर इनकी मुलाकात वाराणसी में राजबिहारी बोस से हुई। उन्होंने 20,000 गदर क्रांतिकारियों के आने की सूचना दी और क्रांति की योजना बनाने लगे। अब फिर से ये खबर अंग्रेजों को लग गई और उन्होंने क्रांतिकारियों को पकड़ने का अभियान छेड़ दिया। करतार सिंह सराभा भी अंग्रेजों की पहुंच से दूर थे। इन्होंने अंग्रेजों की सेना में काम कर रहे भारतीयों को एकजुट करना शुरू कर दिया। करतार एक पूरी हथियारबंद भारतीय सेना अंग्रेजों से मुकाबले के लिए खड़ी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आगरा, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, अंबाला, लाहौर और रावलपिंडी की कैंट में भारतीय सैनिकों को अपने अभियान से जोड़ना प्रारंभ कर दिया। मियां मीर और फिरोजपुर छावनी पर हमले की योजना तैयार थी। 21 फरवरी 1915 को क्रांति का दिन चुना गया, वहीं अंबाला में सैन्य विद्रोह होना था। हालांकि दुर्भाग्य से 15 फरवरी को इस योजना का भंडाफोड़ हो गया और अंग्रेज सरकार ने सभी क्रांतिकारियों के नाम गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए। राजबिहारी बोस जापान भाग गए और बाकी साथी भी भूमिगत हो गए, लेकिन करतार सिंह हार मानने वालों में से नहीं थे। इससे पहले कि करतार कोई योजना बना पाते, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर की एक अदालत में करतार सिंह पर विद्रोह के लिए उकसाने और देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और आखिर में 16 नवंबर 1915 को 19 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इसके साथ ही भारत की आज़ादी के लिए एक युवा हमेशा के लिए दुनिया से चला गया। करतार सिंह वह भारतीय क्रांतिकारी है जिन्हें आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। हालांकि देश की आज़ादी की बात जब भी की जाती है, करतार सिंह का नाम उसमें जरूर लिया जाता है। भारत के इस युवा क्रांतिकारी के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।